नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। बघेली के सुपरिचित कलाकार अविनाश तिवारी यूट्यूब के जरिए विंध्य और आसपास के क्षेत्र में लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके ज़्यादातर वीडियो में उनके साथ नजर आने वाली कलाकार पूजा तिवारी से उनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया में आए दिन कमेंट्स होते रहते हैं। गुड मॉर्निंग टीवी ने अविनाश तिवारी से उनके और पूजा तिवारी के रिश्तों के बारे में खुलकर बात की। इतना ही नहीं, अविनाश तिवारी यूट्यूब से कितना कमाते हैं इस पर भी गुड मॉर्निंग टीवी ने उनसे चर्चा की। आइए देखते हैं पूजा तिवारी के साथ अविनाश तिवारी का क्या रिश्ता है और यूट्यूब से अविनाश तिवारी कितनी कमाई करते हैं। इन बातों पर अविनाश खुद क्या बयां कर रहे हैं। जब भी आपके वीडियो को लोग देखते हैं, बहुत सारे करेक्टर हैं, लखन भाई का करेक्टर है उसमें, कामता का है, फूफा जी का है और पूजा का है। पूजा के बारे में जब भी बात होती है तो अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, तो ये कौन है आपकी, तो एक बार दर्शकों को आप ये बताएं कि कैसे रिलेशन है उनके और कब उनको आपसे मुलाकात हुई उनकी और कैसे उनका अभी तक जो पूरा सफ़र रहा है वो कैसा रहा है। हमारा सिर्फ कलाकार हैं, है ना, और हमारा दोस्त हैं बस। हमका जब हम ये स्टोरी लिखे फलाने के मलकिन कह के, तो वहाँ पूजा जी से हम जब रोल करवाएं तो पूजा एकदम ऐसा रोल करीन जो आजकल के कलजुगी मेहरिये करते हैं, एकदम वह हो बहु तारीन। और लखन भाई के जो कैरेक्टर रहा वह एक ऐसा पड़ोसी के कैरेक्टर रहा कि जब मेहरिया मंसूरन की लड़ाई हो थी तब वो आ जाते हैं, अजब घरे में क्यों बगैया आवा था तो वह आ जाते हैं। फिर के बाद स्टोरी लगातार एक साल तक यह में चलत रहेगी। फिर हमारे माइंड मामा की एक नए किरदार की एंट्री करवा जाए, कामता माखन जी आए, बहुत अच्छे कवि हम, और उनका हम फूफा जी के कैरेक्टर दें, तो वो मतलब वो कहानी से लोग फलाने के मलकिन कहानी से लोग इतना जुड़े हमें कि वो कैरेक्टर में जी के आवत है, चाहे फिर पूजा जी हो, चाहे हम हो, चाहे लखन भैया हो, चाहे कामता फूफा जी हो, उनसे जुड़त गा। मतलब आपकी सिर्फ कलाकार है? हाँ, वो सिर्फ कलाकार है। बहुत सारे कहा था मैं कि तिवारी के मेहरिया आए आई, लेकिन ऑफलाइन आए, ऑनलाइन आई, ऑफलाइन हमारे घरे हैं। अच्छा, ऑनलाइन। अच्छा, ठीक है, ऑनलाइन। अच्छा, जब भी यूट्यूबर्स की बात होती है अविनाश जी, सबसे पहले ख्याल यही आता है कि यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है। ये बहुत बार मतलब हर यूट्यूबर से पूछा जा चुका है आज तक, तो कुछ है फिगर, क्योंकि कारोबार भी आ गई है तिवारी जी की, तो लोग बहुत उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि पैसा कितना आ रहा है। आई नहीं है, ले आया नहीं। इसकी अच्छा। काम धाम में दिक्कत हो जा रही है, जैसे काम का जैसे बढ़ाएं, पहले मोबाइल से शूटिंग हो रही है, फिर के बाद कैमरा आवा, कंप्यूटर आवा, फिर के बाद शूटिंग हम बाहर करे जाए कहे तो दिक्कत हो जाती रही, अब आन के संगे जाए फिर वो चीज़ मज़ा नहीं आ रहा, तो वो कब फिर ले आवा गा, वो हो गया ऐसे जुगाड़ से आई है। जुगाड़ से आई है, हाँ हो गया। और यूट्यूब की कमाई कोनो फिक्स नहीं है, है ना, कोने महीने कम, कोने महीने ज़्यादा, कोने महीने कम, कोने महीने ज़्यादा, ये मेरा हाथ है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। अच्छा तिवारी जी, कभी प्यार हुआ है आपको? प्यार वार हो गया गांव गमई क्या है, तो हो गया ऐसा वाला होत रहा है ना, अजौने से प्यार हो कि एक दो महीना बाद काज हो जा रहा, तो हो गया प्यार बहुत दिन तक चला नहीं। चलिए, अब आपकी लाइफ कैसे चल रही है और पारिवारिक रूप से अगर बात करें तो कौन कौन है परिवार में, क्या करते हैं, शादी हो गई आपकी कि नहीं हो, क्योंकि दर्शकों को ये जानने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। शादी का है कि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में सबसे पहले जब लड़का की बिटिया बढ़ा था तो उनका काजा हेरे लागत हम, है ना, तो शादी हो गई 2017 में भरी है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब है ना। फिर के बाद उसके बाद कहा था कि जब एक आदमी आए की जुड़त है तो ज़िंदगी आगे बढ़े लागत है, इसके पहले एक आदमी रहा था, फिर दो आदमी जब जुड़त हम तो कहो ना कहो उन्हों के भाग्य हमें संगे आई तो जुड़ी, तो काम करे में हमका हुआ भाव परिवार में। मम्मी पापा चाचा चाची, मतलब हमारा जो घर है ना जॉइंट फैमिली है, सब जने इकट्ठे रहते हैं, चाचा चाची मम्मी पापा दाई, मतलब लंबा परिवार है, गांव में सब जने इकट्ठा रहा था। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आगे के अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।